हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट स्पंज, जो घर के सामान से बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। ये देखिए, और ये बहुत ही बढ़िया चॉकलेट फ्लेवर है इसमें। और क्या मैंने इसको इसमें सीक्रेट डाला है जिससे ये इतना चॉकलेटी बना है, तो इसको जानने के लिए आप देखिए मेरी रेसिपी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट लेंगे उसको हम छानेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा, ये 120 ग्राम होगा, और कप का जो मेजरमेंट है ये 240 ml का 1 कप है। इसमें मैं मिलाऊंगी 1/2 कप पाउडर शुगर। पाउडर शुगर अगर आपको मीठा पसंद है थोड़ा अच्छा, तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर। कभी भी केक को ज़्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोको पाउडर ना डालें, वरना आपका जो केक है उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो पहले हम इन आइटम को छान लेते हैं, उसके बाद हम इसमें और डालेंगे। इस रेसिपी में मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी जिससे आप अपना केक को थोड़ा सा और चॉकलेट फ्लेवर दे सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। वन TSP बेकिंग पाउडर और 1/2 TSP बेकिंग सोडा। कभी भी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सेम क्वांटिटी में ना डालें, क्योंकि बेकिंग सोडा अगर ज़्यादा होगा तो आपके केक का टेस्ट थोड़ा खारा हो जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, भले ही आप उसमें कितनी भी चीनी डाल लें। तो बेकिंग सोडा हमेशा 1/2 डालें बेकिंग पाउडर के। 1/8 TSP नमक। 2 टेबलस्पून मैं इसमें मिलाने वाली हूँ मिल्क पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैं मिलाऊंगी इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मदद करेगा हमारे इस केक को थोड़ा सा स्पॉन्जी बनाने में। तो इसको भी हम छान लेते हैं। इन सब आइटम को चम्मच से आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें अब हम मिलाएंगे 3/4 कप मिल्क, और ये मैंने रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, फ्रिज का ठंडा दूध कभी ना लें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड बीटर का भी। इसको 2 मिनट बहुत अच्छे से फेंटें ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो ये देखिए, इसका एक बहुत अच्छा स्मूथ बैटर बना लीजिए इसको फेंट के। हाथ से फेंटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसमें हम मिलाएंगे 1.5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, नेक्स्ट इसमें हम मिलाने वाले हैं एसेंस। तो यहाँ मार्केट में वेनिला और चॉकलेट दोनों टाइप के एसेंस आते हैं, नॉर्मली वेनिला एसेंस डाला जाता है, पर अगर आपको चॉकलेट का फ्लेवर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है अपने केक में, तो हम यहाँ पे डालेंगे चॉकलेट केक। आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ मैं 1/4 TSP चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ, और इसमें लास्ट जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है ये 1/4 कप डार्क चॉकलेट। और इसको हमें इस तरीके से नहीं डालना है, इसको मैं डबल बॉयलर में पहले मेल्ट करूँगी। तो यहाँ एक बर्तन में इसको डाल के इसको हम पहले मेल्ट करते हैं। तो यहाँ चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अगर आपको इस केक को ऐसे ही खाना है स्लाइस करके, तो आप इसमें चॉप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, पर अगर आप इसको आइसिंग के लिए यूज़ करेंगे तो हमेशा चॉकलेट को मेल्ट करके ही डालें। और इस रेसिपी में मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कॉर्नफ्लावर इसलिए डाला है क्योंकि कॉर्नफ्लावर हमारे केक को थोड़ा सा स्पॉन्जी बनाता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर डालें। तो अब हम इन सबको भी, जो मैंने इसमें तेल एसेंस और ये मेल्ट चॉकलेट डाला है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस वीडियो की टाइमिंग पे बिल्कुल ना जाएं कि मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया कि कुछ सेकंड में ये मिक्स हो गया है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर अगर हम फॉलो करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप 2 मिनट इसको अच्छे से फेंटें। ये देखिए, हमें इस बैटर को इतने अच्छे से फेंटना है कि हमारा जो ये बैटर है एकदम स्मूथ बन जाए। और इसको मैं डालूंगी 6 इंच के टिन में। इस टिन को मैंने पहले घी से ग्रीस किया है, उसके ऊपर मैदा डस्ट करके मैंने चारों तरफ मैदा छिड़क के एक्स्ट्रा मैदा निकाल लिया है। कभी भी इसमें एक्स्ट्रा मैदा ना छोड़े, वरना वहाँ से आपका केक जल सकता है। और जब तक आप ये बैटर रेडी करें, 10 से 15 मिनट के लिए अपने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करना ना भूलें। मेल्टेड चॉकलेट की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं बीच बीच में ये बबल्स हैं। तो इसके लिए हमेशा अपने टिन को 2-3 बार इस तरीके से टैप कर ले, और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी इसके बबल्स नहीं निकल रहे हैं तो एक टूथपिक लेके टूथपिक इस तरीके से हम इसमें घुमाएंगे ऊपर ऊपर ही, हमें एकदम नीचे तक नहीं टच करना है ताकि इसके बबल्स निकल जाए, वरना वहाँ वहाँ पे गैप रह जाएगा, एक होल सा बन जाएगा बेक होते टाइम। तो अब इसको मैं बेक होने के लिए रखूँगी 25 मिनट के लिए। बाकी आपके ओवन के साइज़ पे भी डिपेंड है, बड़ा ओवन है तो 25 से 30 मिनट ले सकता है, और अगर छोटा ओवन है तो हो सकता है 20 से 25 मिनट में भी बेक हो जाए। तो हमेशा आप इसका कलर और खुशबू, जब ये बेक हो जाता है तो इसमें खुशबू आने लग जाती है, तो आप उसमें टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं डालती हूँ बेक होने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो केक बेक हुआ है वो 30 मिनट में बेक हुआ है, क्योंकि मेरे ओवन का साइज 60 लीटर है। इसलिए अगर आपका ओवन 25-28 अगर इतना है तो आपके 20 to 25 मिनट में अच्छे से बेक हो जाएगा। और ये देखिए, पूरा ठंडा होने के बाद ही मैंने इसे ओवन से बाहर, टिन से बाहर निकाला है। तो मैं आपको इसका पीस भी करके दिखाती हूँ, हालांकि अभी ये गरम है। आप जब भी इसको कट करें हमेशा पूरा जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप केक को कट करें। ये देखिए, अब आप इस केक को या तो स्लाइस केक में आप बना के खाना चाहते हैं तो आप स्लाइस केक में बना के खा सकते हैं, अगर आप इसको एज ए डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आप इसकी आइसिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये तो बताना भूल ही गई कि हमारा जो ये स्पंज है वो कितने ग्राम का बना है। तो ये देखिए, इसका जो ग्राम है ये है
411 ग्राम, और जब हम इसकी आइसिंग करते हैं तो वो हमारा पूरा हाफ केजी का केक बन जाता है।